स्थानीय नगरपालिका चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। बेटमा में शुक्रवार को नाम निर्देशन पत्र भरने सातवें दिन भाजपा के समस्त वार्ड प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय सहित 20 उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन पत्र जमा किए। वहीं कुछ अभ्यर्थी फार्म लेकर भी गए हैं। गौरतलब है कि अब तक 30 से अधिक आवेदन नगर निकाय चुनाव के लिए जमा हो चुके हैं। वहीं गुरुवार रात को भाजपा द्वारा उनके उम्मीदवार की सूची जारी होने के बाद सभी 15 वार्डों में प्रत्याशियों द्वारा ढोल धमाकों के साथ जुलूस के रूप में जाकर नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस की ओर से अभी सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन नेताओं ने हरी झंडी मिलने के बाद कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने भी अपने फार्म जमा किए हैं। नामांकन जमा करने हेतु अब शनिवार का दिन ही शेष है। ऐसे में टप्पा कार्यालय पर अच्छी भीड़ देखने को मिलेगी। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।